नमस्कार। नवी मुंबई में हाल ही में महाराष्ट्र दिवस के कार्यक्रम जोर शोर से मनाए गए। नवी मुंबई जिला कांग्रेस कमेटी एवं वार्ड नंबर 88 नेरुल ने महाराष्ट्र दिवस पर एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया। मैं उमेश मालवीय UCMB चैनल के माध्यम से इस रोचक कार्यक्रम की कुछ झलकियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। Yeah।
जिल्हा काँग्रेस समिती सन्माननीय अध्यक्ष श्री नामदेव या दोन्ही मान्यवरांना मी नम्र विनंती करतो आजच्या नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस समितीतर्फे आणि आजच्या या सोहळा समितीतर्फे या मान्यवरांनी आपापल्या स्थानावर स्थानापन्न व्हावे ही नम्र विनंती. सन्माननीय विश्वस्त जयंतीटी श्री रामशेठ ठाकूर साहेब आणि नवी मुंबई जिल्हा काँग्रेस कमिटीचे सन्माननीय अध्यक्ष शिडको संचालक श्री नामदेव रामा भगत साहेब यांच्या माध्यमातून शालिकतेची जोड असलेली आणि नवीन आधाराकडे लागलेली एक आहे वृत्तांगे वृत्त डिग्री वृत्त अक्षरा आकांक्षा कदम देखिए महाराष्ट्र दिन है आज और जिन्होंने ये महाराष्ट्र दिन अपने को मनाने को जो मौका दिया है वो जो शहीद जो हुए हैं उनको मैं पहले याद करता हूँ उनको नमन करता हूँ
मराठी भाषा और मराठी संस्कृति इनका जतन होना चाहिए, लेकिन इसमें राजकारण नहीं आना चाहिए। हर हर मुल्क जो रहते हैं, जो राज्य रहते हैं, उनको उनमें रहने वाले सभी जात धर्म के लोग जो है उनको स्वाभिमान होना चाहिए। लेकिन अपना ये जो महाराष्ट्र में है, सब देखिए आपको गुजरात राज्य या जो जो अन्य राज्य है उनको राज्य कहा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र राज्य तो ये महाराष्ट्र का राज्य जो है, तो इसलिए इस अवसर पर इतना बताना चाहता हूँ कि ये जो महाराष्ट्र दिन मनाया जाता है उनके पश्चात ये जो अपने को कार्यक्रम करने को मिलता है, और आज देखिए आज इतना भारी संख्या में लोग जमा हुए और अपना राष्ट्र राज्य का उनको स्वाभिमान है, और इसलिए आप सभी को, सब दर्शक को मैं बधाई देता हूँ और आपके चैनल को शुभकामना देता हूँ। एक सवाल और, आज कांग्रेस के कार्यकाल में ही खास करके मुंबई, नई मुंबई एयरपोर्ट और मेट्रो का जो खास करके दो का बहुत अच्छे कार्यक्रम, उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए आज एयरपोर्ट जैसी जो चीज़ है, जो समस्या है, और वो देश का प्रश्न है और देश का विकास होना चाहिए, इसीलिए यहाँ एयरपोर्ट होना जरूरी था। सभी लोग बोल रहे थे कि एयरपोर्ट यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैंने बोला था एयरपोर्ट होगा होगा होगा, लेकिन कुछ लोग उनको बोल रहे थे नहीं होगा, लेकिन ये एयरपोर्ट होने जा रहा है और माननीय पृथ्वीराज चौहान साहब है, उन्होंने अच्छा इसमें इसका उसमें वो योगदान है, और मुझे लगता है कि ये एयरपोर्ट हम करेंगे, लेकिन ये तो पूरा हिंदुस्तान का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन एयरपोर्ट के लिए जिनकी जगह जाती है, जो किसान है, उनका जो जो प्रॉब्लम्स है वो हम लोग छुड़ाएंगे और उनको भी अच्छा पैकेज देंगे। और अभी आज ही मेट्रो का भूमि पूजन आज हुआ है, आज सिटी में जो मेट्रो रेल हम लोग चालू करने जा रहा है, तो आज सिटी बड़ी हो रही है और सिटी में लोगों को जाना आने के लिए ये मेट्रो जरूरी थी, और मुझे लगता है देश में ऐसा एक प्रकल्प है जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट या केंद्र सरकार का पैसा नहीं लेते हुए सिडको अपने पैसे से कर रहे हैं। फिर एक बार अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद, नमस्ते।